योगी पुत्र की लीलाओं को आपने कई बार देखा होगा। नौगछिया में भी एक मामला आया था जहां एक कलयुगी पुत्र ने जीवित पिता को ही मृत घोषित कर संपत्ति को बेच दिया था। लेकिन इस कलयुग में भी कई तरह के लोग हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, और कहीं कहीं ऊपर वाला भी नीचे वाले को भेज देता है। जी, जब संपत्ति भी ज्यादा नहीं बची और उन्हें एहसास हुआ कि जो सेवा करने के लिए सेवादार हमने रखा है वो सही नहीं है, तो उसे भी उन्होंने भगा दिया। फिर वो अकेली बची और लंबे समय तक रहने के बाद उनका निधन हो गया और उनका श्राद्ध कर्म चल रहा है, और उनके जो भतीजे हैं उनका अंतिम संस्कार कर उत्तरी पहना है। और मुझे भी यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनसे बातचीत करने जा रहा हूं जो संतान नहीं है, लेकिन आज उन्होंने माता बनाकर मां बनाकर उनको जो है स्वीकार किया है, और स्वीकार कर उनका अंतिम संस्कार कर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। पूरा समाज, पूरा गांव का लोग यहाँ जुड़ा हुआ है। हम है नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सिंधिया मकनपुर में, और यह घर काफी नामचीन है क्योंकि यह घर है पूर्व सरपंच रामधनी शर्मा का। अब बिना वक्त गवाए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गोपाल शर्मा। सरपंच साहब आपके कौन हुए? छोटा चाचा थे, छोटा चाचा। कितने चाचा आपके? मतलब बाबूजी तीन भाई थे, रामरक्षा शर्मा, भिखारी शर्मा, रामधनी शर्मा, जो तीनों स्वर्गवास हो गए। रामधनी शर्मा को 4 में मरने के बाद वो अपना ससुराल का परिवार को रखा, वो टोटल संपत्ति बेच के चले गया। अच्छा। इसके बाद क्या हुआ कि जब निसहाय हो गया मेरा चाची, हम लोग सेवा सत्कार किए और उसका दाह संस्कार किए। आज आपने उनके नाम का ये वस्त्र धारण किया है, तो आपने जिस समय उनका अंतिम यात्रा निकाला, यानी आपके समाज साथ पूरे समाज के लोग खड़े थे, आज एक पुत्र के भूमिका में आप हैं। हाँ, पुत्र की निभा, चाची और पुत्र निभा, पुत्र हुआ। मतलब कैसा महसूस रहा? हम इसलिए जानना चाहेंगे कि आजकल कलयुग है और कहते हैं लोग कि सब कुछ पैसे वालों का होता है, जिसके पास संपत्ति होती है कहते हैं उसी के पास। चाची के पास तो बहुत संपत्ति थे, लेकिन हम लोग को विश्वास ने भतीजा रखा, वो भी समुचा बेच बाज के चला गया, उसका कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं चाची के नाते से, परिवार के नाते से, खून के नाते से उसका दाह संस्कार किया, श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। तो अभी जो श्राद्ध कर्म कर रहे हैं पूरे परिवार के लोग, यानी आपके जो पुत्र हैं, यानी आपका पूरा परिवार, उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित? 6 भाई मिलके कर रहे हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित है, सब भाई उपस्थित है। अच्छा, एक चीज जानना था कि मतलब जब मतलब वो निसंतान थे, उन्हें कोई संतान नहीं था, तो जिस समय सरपंच साहब थे उस समय की पारिवारिक स्थिति कैसी थी? उस समय ठीक थे, और उसके मरने के बाद वो लोग रात लुटी लिया सब, जिसके बाद चला गया। तो इसके बाद हम लोग के पास आई, चाची कहते थे कि मरने के बाद गोपाल बाबू श्राद्ध हम लोग बढ़िया से करियो, जे होते समाज का खुश कर दियो। आज समाज के लोग भी यहाँ उपस्थित छे, समाज में मतलब अभी भी एहनो लोग छे कि जकरो कोई नहीं छे तो हम्मे छे, परिवार के नाते अपने छे, समाज के नाता छे, सब परिवार और समाज के दोनों नाता से छे। जी हाँ, दोनों नाता से उनका निभाइए। अभी जे मतलब इतना व्यवस्था भए रहल छे, मान लिए सब लोग के श्राद्ध कर्म करी रहल छे, एकरा केना करी रहल छे? उनके कुछ छे जमा पूंजी या संपत्ति या अपना सब? उसके नहीं निकला जी, कुछ भी नहीं। हाँ, निकला वही 5,000 रुपया निकला, 10,000 रुपया निकला, 2,000 था, 2,000 न चला न कुछ हुआ। हम लोग 6 भाई मिल करके जिस तरह से कर रहे हैं, समाज हमको साथ दे रहा है, दौड़ धूप जो काम क्रिया में जो परिवार है, सदस्य है, गोतिया लिया, साथ दे रहा खूब बढ़िया से। कितना समय बीच का मिला जिस समय की वो उनका सेवा करने वाला जो है वो चला गया छोड़कर पुत्र और उनके निधन में, इस बीच का कितना समय था लगभग? चाचा जी 2004 में चले गए, इसको ससुराल के भतीजा को चाची रखी, बेचने के बाद चले गए। इसके बाद चाची हमारे पास 2023 के नवंबर दिसंबर में आए हमारे पास कि बेटा मैं मरीज वो खाने दबा, उसका सेवा सत्कार किए, इलाज किए बढ़िया से, सेवा किए। क्या बात है। आपके माता पिता दोनों देवगन दो? हमारे माता पिता दोनों चले गए। चले गए कितने दिन पहले जो है आप हो गए? तो 8 में मेरे पिताजी मरे थे,
और 17 में मेरा 15 में मेरे माता जी मरे थे। तो आप सबसे छोटे भाई हैं? बड़े भाई है, सब सबसे बड़े हैं। तो आपने एक बार फिर से माँ का उतरी पहना है, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखिए ये समाज के लिए ही नहीं, ये परिवार के लिए ही नहीं, आज के समय के लिए ये सबसे उस जन्म का लच्छाबो भाई का मात उस जन्म का। हाँ। आप इस चीज को मानते हैं? देखिए क्या बात है, देखिए ये कहते हैं कि ये जो 6 भाई हैं ये किसी जन्म में वो माँ थी और इस कलयुग में आकर इन्होंने अपने फर्ज को, अपने धर्म को, अपने कर्म को कर दिया। कैसा मतलब लगा आपने, चूंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने एक अपने माता पिता का, माता पिता के लिए भी यह पहना, आज आपने माता बनाकर किसी के लिए पहना, ये काफी भावुक हो चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, बातचीत करना चाहूंगा कि ऐसे समाज में लोग हैं, इन तरह के परिवार के, इन तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, हमेशा आज भी समाज है, लोग कहते हैं सामाजिकता समाप्त हो गई, ऐसी नहीं है। तो मतलब कैसा दोनों का अनुभव क्या रहा, आप उसी गंगा घाट पर पहुंचे? तो माँ दादी चाची थी ना, चाची कहते थे गोपाल बाबू छब बनवास कर जो श्राद्ध, और तो हमारा बड़ा बेटा छ बात है। अच्छा, वो अभी उनके निधन के बाद तो मान लीजिए उनका तो कोई है नहीं, उनके पास कुछ और है क्या संपत्ति? कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ चला गया। जितना थी कि उसके घर में थाली लोटा था ना, वो भी एक ठो रूम बचा हुआ है चाची का, एक ठो रूम बचा हुआ, थोड़ा डर डी है, हमको लोभ नहीं था उसका, आशीर्वाद का लोभ था। चाची कहते थे तुमको मरने के बाद भी हम किसी टाइम में प्रणाम करके आशीर्वाद ले लेंगे। अरे बाप, चलिए, धन का लोभ नहीं था। क्या बात है, क्या बात, एक भजन सुना होगा, जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, की करी लो अपने। कहते हैं कि पुत्र के लिए बहुत बड़ा होता है उनके, आज के कलयुग में तो निश्चित रूप से होता है कि वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर पाए, और एक माता पिता भी चाहता है कि उनका पुत्र कर दे, क्योंकि कहते हैं कि संपत्ति और जो है और किसी के लालच में, मैं कहना चाहूंगा कि आज पुत्र भी माता पिता को घर से बाहर कर देता है। आप वृद्धाश्रम में जो देखते हैं वो भी किन्हीं की माँ है, किन्हीं का बेटा है, और आपने दोबारा उनके नाम का ये कपड़ा पहना है, ठीक है, जिसे तो आज मतलब जब आप आ रहे थे गंगा घाट से तो आपको क्या लग रहा था, या चिताएं जल रही थी तो समय क्या, आप एकदम दिल की बात आप हमसे शेयर करेंगे, आपको कैसा लग रहा था? हमको तो खुशी हो रहा था कि फिर मरम्मा मिल गई है सब भाई का, और खुशी जलाया उसको। क्या बात है, हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे 6 भाइयों को भी हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी चाची को अपने माता समझकर अंतिम संस्कार किया, और ये एक समाज से सीख लेने की जरूरत है। जी हाँ, हम नौगछिया के ही गोपालपुर के सिंधिया मकनपुर में हैं, और ये घर पूर्व सरपंच साहब का है, वो काफी अपने कार्य से और मशहूर रहे हैं, और भी उनसे, उनके परिजन है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि सर लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है या आर्थिक युग है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ नहीं, जिसके पास आदमी नहीं है उसके पास कुछ नहीं, इसलिए क्योंकि एक मृत को भी कंधा देने में 4 लोगों की जरूरत होती है, 4 कंधे की जरूरत होती है। इस वातावरण में हम जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मानवता, सामाजिकता और पारिवारिकता कह सकते हैं, लोग कहते हैं परिवारवाद से आज कोट भरा है, लेकिन उसी परिवार में तो ऐसा परिवार है जिसका कोई नहीं है, वहां पूरा समाज खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जो दादा थे रामधनी शर्मा, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका बहुत कुछ ऐसा कर्म किया हुआ था, उसका पुण्य, वो ऐसा कोई बस्ती का लोग नहीं है जो उनको नहीं जानता है। 22 साल सरपंच रहे गोसाई ग्राम पंचायत में, ये रिकॉर्ड है कि 22 साल किसी ने अपना समय नहीं दिया है, कोई भी सरपंच हो 22 साल सरपंच पद पे रहे और सबका सेवा किया निस्वार्थ भावना से। उस टाइम जाति प्रमाण पत्र बनने का दौर था, तो सबको बना के ला देते थे घर तक, कहीं पंचायती हो तो खुद जाते थे, कोई दरवाजे पे आए तो बिना चाय पिए नहीं जाते थे, मेरी दादी चाय बना के देती थी। तो वो जो अच्छे कर्म करके गए हैं तो उनके साथ ऊपर वाला कभी गलत नहीं करेगा, उनके साथ गलत हुआ मेरी दादी के साथ, लेकिन ऊपर वाला था, उनके अच्छे कर्मों का फल मिला जो हम लोग उनका सेवा किए, लेकिन उनके मन में एक दुख रहा कि मेरा संपत्ति लूट के ले गया।
लेकिन जी आज अच्छा कर्म किए थे जो हम पूरा समाज, सबसे बड़ा बात है कि हमारे पूरे परिवार के लोग, पूरे समाज के लोग, हम लोग बरही समाज से आते हैं, पूरे समाज के लोगों ने तन मन धन हर चीज से मदद किया कि उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो उनको अपना सेवक समझ के रखे थे उन्होंने उनको छोड़ के जब चले गए, परिवार के एक एक लोगों ने उनका सेवा किया, परिवार में नहीं सभी समाज के लोगों ने सेवा किया, उनको कभी महसूस नहीं हुआ कि हम निसंतान है, उनको लगा कि हम पूरा परिवार मेरा भाड़ा हुआ। आज आपके बाबूजी जो है चाची के लिए माँ समझ के उन्होंने यह धारण किया है, मुखाग्नि दिया है, क्या लग रहा है सर परिवार में कैसा माहौल है? आपको लगता होगा कि जैसे कि अपने अपने दादा दादी को देखा था क्या? हमने तो अपने दादा को भी देखा, दादी को भी देखा, हमको लगता कि दोबारा हमको दादी मिल गई। हम उनका जो सेवा किए, हम ये समझ रहे थे मेरी दादी जीवित है, मेरी बेटी है 6 साल की, वो उसका हाथ पकड़ के मेरी पत्नी को ले जाती थी, दादी दादी से भेंट करो नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। उनका प्रति प्रेम था, मेरी दादी भी सबके साथ समान प्रेम करती थी। कभी भी कोई, आज पर्व है तिल संक्रांत का, मकर संक्रांति पिछले साल जो हुआ था, जब तक अपने हाथ से तिल चौर नहीं दिया तो खाई नहीं, बोला नहीं जब तक मेरा बेटा लोग खाएगा नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। तो ये प्रेम था और यही प्रेम है तब ना समाज जिंदा है। कितनों कोर्ट कानून भर जाए परिवार विवाद में, लेकिन परिवार में अच्छे लोग अभी भी हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने का। सर अपना परिचय दे दे। मेरा नाम धीरज शर्मा है, मैं रामधनी शर्मा का, मैं गोपाल जो मुखाग्नि दिए हैं उनका मैं छोटा पुत्र हूँ। देखिए हम बगल के पड़ोसी हैं, सरपंच साहब के भतीजे लगते हैं, और सरपंच साहब महान व्यक्ति थे और उनका पत्नी जो थी वो हमारी चाची लगती थी और अच्छे स्वभाव के थे। हम लोग चाची समझ के, माँ समझ के ही रखते थे और आज हमारे बीच चले गए और हमारे समाज में जितने भी हैं युवक समाज जितना भी हैं उनके साथ हम लोग रहते थे और आज उनको जाने के बाद जो है मुझे बहुत दुख है इस बात का। और जितना भी समाज है सब उनके साथ में है। रही बात की उनको संपत्ति बहुत ज्यादा था लेकिन आज लूट घसीट करके सब ले चले गए, कुछ बचा नहीं है। लेकिन आज 6 उनका बेटा है, बेटा ही है, शास्त्र भी कहते हैं यदि 4 पुत्र में से, 4 पत्नी में से 1 पुत्र भी हो तो 4 पुत्रवती होता है। और आज उनका धन्य है पुत्र 6 जो आज इस समाज में उनका कर्म कर रहे हैं। बस मेरा नाम नरेश शर्मा हुआ, मेरा चाची थी रामधनी शर्मा सरपंच साहब, चचा हुए, हमारे माता और पिता दोनों गुजर गए लेकिन माँ के स्थान पर चाची आई। उनका 6 भाई ने मिलके अग्नि काज किया और समाज से सहयोग लेके हम कर्म कर रहे हैं। तरीका से कर रहे हैं, मेरा दादी था और उसका हम सबसे बड़ा पोता हुए। जी मतलब उनका जो सेवार था वो चला गया, उसके बाद से कैसा रहा, कैसे आप लोगों ने? बहुत खुशहाली रहा, कोई दिक्कत नहीं। आपका परिचय? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, गोसाई गांव पंचायत पड़ता है, घर सिंघिया मगनपुर है। रामधनी शर्मा पूर्व सरपंच जो थे गोसाई गांव पंचायत का, 22 साल सेवा किए थे, हम उसका भतीजा है जो कि मेरी चाचा पहले चला गया था और चाची जो था बाद में उसका सेवा किए वो भी चली गई, माँ की तरह चाची को मानते थे हम लोग। हमारे सहयोगी थे और हमारा शुभचिंतक भी थे और उनका स्वर्गवास लगभग 20 साल पहले हो गई है और उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो थी उसको फुसला करके उनके जो मायके का लोग था वो लोग अपना संपत्ति लूट के ले चला गया, जमीन समेत भी बेचवा के ले चला गया और बेचारी अकेले यहाँ पड़ी रही। तब उसके समाज परिवार का लोग उसको देख रेख करके उसका स्वर्गवास हो गया, उसका श्राद्ध कर्म हो रहा है और भली भांति अच्छे ढंग से श्राद्ध कर्म हो रहा है। आपका परिचय? हमारा नाम मनोहर प्रसाद, सामने के पड़ोसी हैं।
हमारा नाम दिनेश शर्मा है, उनका देवर के रूप में लगते हैं, सरपंच साहब के पत्नी। कभी कभी मजाक भी करते थे। उनका जो सरबेटा था उसको मारने लगा। हम कहें गोपाल अपना प्रतिष्ठा बचाइए, अब तभी प्रतिष्ठा अपना बचाया और छह भाई मिल करके बढ़िया से श्राद्ध कर रहा है। कोई कठिनाई नहीं है, पलंग भी दंग करता है, बर्तन भी दंग करता है, सब भाई मिल करके हम भी सहयोग देते हैं, मिल के भोज भी खाते हैं। अब विशेष क्या।